नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन एजुकेशन में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 60 इलेक्ट्रीशियन अर्थात टेक्निकल ग्रुप से संबंधित है, 10 GKGS, 10 रीजनिंग, 10 इंग्लिश और 10 हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको और भी जानकारी देंगे इसके बारे में। और आपको हम बता दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का एडमिट कार्ड आ चुका है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका एडमिट कार्ड अपना देख सकते हैं। और साथ साथ ही बता दें हम आपको कि इस पेपर में जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के साथ साथ ITI के सेमेस्टर एग्जाम UPPCL TGTU DMRC इसरो के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो के साथ अब बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक डायक किसके तुल्य है, जिसका सही जवाब है एक डायक चार सतह अर्थात फोर लेयर SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के जोड़े के बराबर है। दोस्तों डायक एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें तब तक धारा प्रवाहित होती है जब तक थोड़ी देर के लिए उसके सिरों के बीच का वोल्टेज उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक होता है, तब तक इसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत कक्ष तापक अर्थात इलेक्ट्रिक रूम हीटर की चार कुंडली विभिन्न ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है, अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जुड़ा होना चाहिए, जिसका सही जवाब है चारों को समानांतर में जुड़ा होना चाहिए। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिकल रूम हीटर में आपने देखा होगा कि तीन या चार हीटिंग एलिमेंट कुंडली होते हैं। दोस्तों हीटिंग एलिमेंट आपस में समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं ताकि इससे अधिकतम ताप मिल सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोमीटर कैलिपर्स की यथार्थता अर्थात एक्यूरेसी नापने के लिए गेज का उपयोग किया जाता है, जिसका सही जवाब है स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार। सीधी ST लाइन अर्थात हाई टर्मिनल लाइन के खंभों पर किस प्रकार के रोधी अर्थात इंसुलेटर लगाए जाते हैं, जिसका सही जवाब है पिन टाइप इंसुलेटर। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि इंसुलेटर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, एक पिन टाइप, दूसरा साइकिल टाइप, तीसरा सस्पेंशन टाइप और चौथा होता है एक स्टे वायर इंसुलेटर। क्वेश्चन नंबर पांच। वायर गेज का उपयोग किसी चालक का क्या नापने के लिए किया जाता है, जिसका सही जवाब है वायर गेज का उपयोग किसी चालक का ब्यास नापने के लिए किया जाता है। से किसी भी तार चालक का ब्यास किसी स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जानते हैं, उसको नापने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है, तो इसका सही जवाब है सेंट्रीफ्यूगल मोटर में सेंट्रीफ्यूगल मोटर जब 75% गति पकड़ ले तब प्रारंभिक कुंडलन को अलग कर देती है। अगला क्वेश्चन। द्विअंकी घटाने में अर्थात बाइनरी सबट्रैक्शन कौन सा नियम सही नहीं है, जिसका सही जवाब है 0 -1 = -1 अर्थात 0 में से 1 को घटाएंगे तो -1 नहीं बल्कि 1 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सही जवाब है एक ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण अर्थात मैचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मैचुअल इंडक्शन यह है दोस्तों कि जब दो कुंडलियों को आपस में रखा जाए तो उसमें एक में धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें उसके फ्लक्स परिवर्तन की दर से दूसरे में भी MMF जनरेट हो जाता है, इसे ही म्यूचुअल इंडक्शन का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए, जिसका सही जवाब है अच्छे कुचालक पदार्थ में
निम्न में से उच्च भंजन वोल्टता अर्थात हाई ब्रेकडाउन वोल्टेज का गुण होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 10, सीआरओ के पर्दे पर दो पूर्ण संकेत चक्र दिखलाई पड़ेंगे जब प्रसंग जनित अर्थात स्वीप जनरेटर का समयातल टाइम पीरियड कितना होगा? जिसका सही जवाब है संकेत काल का दोगुना। प्रश्न संख्या 11, तीन प्रतिरोधक R1, R2 एंड R3 समानांतर में जुड़े हैं। R1 ग्रेटर देन, R2 ग्रेटर देन, R3 है। यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध R4 इसके समानांतर में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? जिसका सही जवाब है R3 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतिरोध के रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, प्रतिरोध का मान कितना होगा? जिसका सही जवाब है 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस स्थान पर अधिकतम प्रकाश की आवश्यकता होती है? जिसका सही जवाब है सूक्ष्म मशीनों कार्य में, जो सूक्ष्म मशीन अर्थात छोटे मशीन होते हैं उसके कार्यों में अधिकतम प्रकाश अर्थात इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में उत्पन्न आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त होता है? जिसका सही जवाब है हैलोन अग्निशामक अर्थात हैलोन एक्सक्यूशन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट अर्थात जनरेटिंग स्टेशन का धावी खर्च अर्थात रनिंग कॉस्ट सबसे कम है? जिसका सही जवाब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऐसा पावर प्लांट है जिसका चार्ज बहुत कम होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्पादन प्लांट का भार गुणांक किस पर परिभाषित किया जाना चाहिए? जिसका सही जवाब है उत्पादन प्लांट का भार गुणांक इज इक्वल टू अधिकतम मांग बटे औसत मांग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लघु पिच कुंडलन अर्थात शॉर्ट पिच बैंडिंग प्रवर्तकों में करने में क्या हानि होता है? जिसका सही जवाब है कुल वोल्टेज कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, तापीय उत्पादन प्लांट अर्थात जनरेटिंग स्टेशन में वास्ट टरबाइन अर्थात स्टीम टरबाइन का क्या कार्य है? जिसका सही जवाब है गर्मी की ऊर्जा अर्थात थर्मल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 19, उच्च वोल्टता महरूम अच्छा हाई वोल्टेज शोर्क में उपकरणों अच्छा इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रगामी सबसे उपयुक्त होता है? जिसका सही जवाब है थायराइड प्रगामी अर्थात थायराइड एरेस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20, एक 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है, यह एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है, यदि विद्युत के दाम ₹4 प्रति इकाई हो तो महीने का बिजली का बिल कितना होगा? इसका सही जवाब है ₹120। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता अर्थात परमियंस विद्युत परिपथ में किस गुण के जैसी है? जिसका सही जवाब है चालकत्व अर्थात कंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन, विद्युत के नियमों के अनुसार प्रकाश और पंखों के परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम विद्युत बिंदु अर्थात पॉइंट कितने होने चाहिए? जिसका सही जवाब है 800 वाट और 8 पॉइंट। अगला क्वेश्चन,
प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियंत्रण अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन किस पर निर्भर करता है? जिसका सही जवाब है भार और शक्ति गुणांक दोनों पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 24, वर्कशॉप में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार शरीर के किस अंग पर होना चाहिए? जिसका सही जवाब है पैरों पर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा सही संकेत इंगित करता है? जिसका सही जवाब है अंगूठा गति को दर्शाता है, तर्जनी धारा को दर्शाता है, मध्य की उंगली चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कराता है। अगला क्वेश्चन, किसी बहुकंपन में अर्थात मल्टी वाइब्रेटर कौन सा कथन सत्य नहीं है? जिसका सही जवाब है निर्गत सदैव उपलब्ध है अर्थात आउटपुट इन कंटिन्यूअली अवेलेबल। प्रश्न संख्या 27, उत्पादन प्लांटों में परस्पर संबंध इंटरकनेक्शन किस लिए किया जाता है? जिसका सही जवाब है विद्युत की विश्वसनीय बढ़ाने के लिए इंटरकनेक्शन किया जाता है। प्रश्न संख्या 28, पीएनपी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर अर्थात एरो चिन्ह किस ओर इंगित करता है? जिसका सही जवाब है उत्तेजक अग्रता अर्थात एमिटर लीड की ओर संकेत करता है। प्रश्न संख्या 29, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने की बदलता है वह क्या कहलाता है? जिसका सही जवाब है फोटोकंडक्टिविटी कहलाता है। प्रश्न संख्या 30, यदि किसी बैटरी का अधिकतम समय तब उपयोग न किया गया हो जब उसे अवशोषित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होनी चाहिए? जिसका सही जवाब है अल्पमात्री आवेशन अर्थात ट्रिकल चार्ज। ट्रिकल चार्ज एक ऐसी विधि है जब कोई बैटरी डेड हो जाती है तो उसको ट्रिकल चार्जिंग मेथड से किया जाता है, तो कुछ दिन में थोड़ा अधिक समय लेता है इसलिए इसे ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं अल्पमात्री आवेशन। प्रश्न संख्या 31, वितरण जाल अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में शक्ति ट्रांसफार्मर अर्थात पावर ट्रांसफार्मर में शीतलन कूलिंग के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही जवाब है वायु आवागमन बढ़ता है अर्थात पावर ट्रांसफार्मर कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम संकेत शक्ति प्रवर्धक अर्थात लार्ज सिंगल पावर एम्पलीफायर में वर्ग एबी प्रचालन क्लास एबी ऑपरेशन किस लिए किया जाता है? जिसका सही जवाब है अधिकतम क्षमता प्राप्त करने के लिए अर्थात ऑप्शनल मैक्सिमम एफिशिएंसी। प्रश्न संख्या 33, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि अर्थात लॉसेस 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितनी होगी? जिसका सही जवाब है 250 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीलिंग फैन जिसमें धारक प्रारंभ मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी है स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के में घुमा दिया जाए तो वह चलने लगती, इसका क्या कारण है? जिसका सही जवाब है खुला धारक अर्थात ओपन कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 35, दिष्टधारी मोटर में उत्पन्न बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क किसके समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल है? जिसका सही जवाब है क्षेत्र चुंबक अर्थात फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 36,
किसी विद्युत उपकरण के तापन अवयव अर्थात हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए, जिसका सही जवाब है उच्च प्रतिरोधकता अर्थात हाई रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत नियमानुसार घरेलू वायरिंग में विद्युत अनुपात अर्थात इंसुलेटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जिसका सही जवाब है 50 अपान परिपथ में बिंदुओं पॉइंटों की संख्या। अगला क्वेश्चन, हथौड़े का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, जिसका सही जवाब है हथौड़े का वर्गीकरण केवल फ्रेम का आकार और भार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिष्टधारी मोटर में घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जाता है, जिसका सही जवाब है आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा को बदलकर। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत कोड के अनुसार चालकों का रंग कैसा होना चाहिए, जिसका सही जवाब है विद्युत कोड के अनुसार चालकों का रंग फेज लाइन लाल, न्यूट्रल काला और अर्थ हरा कलर का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रदीप्ति लैंप अर्थात फ्लोरोसेंट लैंप में चौक क्या करता है, जिसका सही जवाब है प्रदीप्ति लैंप अर्थात फ्लोरोसेंट लैंप में चौक प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 42, एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए, जिसका सही जवाब है एक अच्छे फ्यूज तार में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलन बिंदु होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, विद्युत वायरिंग में लकड़ी के बोर्डों में उपयोग होने वाली अभ्रक सीटें अर्थात माइका स्टील में वर्गीय छेद अर्थात स्क्वायर होल करने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है, जिसका सही जवाब है कारी अर्थात की होल सॉ। क्वेश्चन नंबर 44, प्रदाय आवृत्ति में अधिकतम बल आघूर्ण अर्थात मैक्सिमम टॉर्क उत्पन्न करने के लिए कौन सी शर्त होनी चाहिए, जिसका सही जवाब है रोटर प्रतिरोध इक्वल टू रोटर प्रतिघात दोनों को बराबर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 45, बहुफेज प्रेरण मोटर अर्थात पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकारक मोटरों के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सही है, जिसका सही जवाब है तुल्यकारक मोटर शक्ति गुणांक सुधरी और प्रेरण मोटर की कम होती है। क्वेश्चन नंबर 46, दो प्रतिरोधक अर्थात R1 और R2 विद्युत स्रोत में समानांतर में जुड़े हैं, R1 का मान R2 से 4 गुना और R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जिसका सही जवाब है R2 की 1/4 विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 47, किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है, जिसका सही जवाब है दहन कक्ष में पानी का होना। क्वेश्चन नंबर 48, प्रत्यावर्ती तरंग रूप अर्थात अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म में वर्ग मध्य मूल मान अर्थात आरएमएस रूट मीन स्क्वायर कितनी होनी चाहिए, जिसका सही जवाब है तरंग रूप में आयाम पर निर्भर करना डिपेंडेड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 49, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर अर्थात कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर की दिशा क्या बदलने के लिए विपरीत अर्थात रिवर्स की जा सकती है, जिसका सही जवाब है धावी कुंडलन अर्थात आरंभिक कुंडल में संबंध बदल करके उसकी दिशा को विपरीत की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 50,
किसी मापन यंत्र की सुग्रहता अर्थात सेंसिटिविटी बदलाती है कि मापन यंत्र बहुत कम संकेतों को पकड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, दिष्टधारी जनरेटर में गमनागमन कुंडलन अर्थात लैब बैंडिंग और तरंग कुंडलन अर्थात वेब बैंडिंग के संदर्भ में क्या सही है? इसका सही जवाब है गमनागमन कुंडलन अर्थात लैब बैंडिंग कुंडलन का उपयोग कम वोल्टता और अधिक धारा वाली मशीनों के लिए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निवेश और निर्गत प्रतिबाधा अर्थात इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के संदर्भ में आदर्श वोल्टता प्रवर्तक अर्थात आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या संबंध है? इसका सही जवाब है उच्च निवेश निम्न निर्गत प्रतिबाधा अर्थात हाई इनपुट और लो आउटपुट इम्पीडेंस। क्वेश्चन नंबर 53, क्लास ए प्रवर्धक अर्थात एम्पलीफायर की परिपथ दक्षता अर्थात सर्किट इफिशेंसी किस विधि से बढ़ाई जा सकती है? इसका सही जवाब है ट्रांसफार्मर युग्मन भार के द्वारा बढ़ाई जा सकती है अर्थात ट्रांसफार्मर कपल लोड के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी अर्धचालक युक्ति सेमीकंडक्टर डिवाइस एक डायोड और दो प्रतिरोधक जैसा कार्य करता है? जिसका सही जवाब है UJT अर्थात यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 55, दो प्रत्यावर्तकों समानांतर में कार्य कर रहे हैं, यदि उनमें से एक पर भार बढ़ा दिया जावे तो उसका क्षेत्र उत्तेजक अर्थात फील्ड एक्साइटर कैसा होना चाहिए? जिसका सही जवाब है निवेश बल घुड़ बल बढ़ाते हुए स्थित हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56, किसी केबल का कुचालक पदार्थ था इंसुलेटर छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए? जिसका सही जवाब है 20 डिग्री से कम। क्वेश्चन नंबर 57, दो वाष्प चालित प्रत्यावर्तक समानांतर में कार्य कर रहे हैं, भाप का वाहन अर्थात लोड शेयरिंग किसका समायोजन एडजस्टमेंट करने में परिवर्तित किया जाता है? इसका सही जवाब है मूल गति उत्पादन में वाष्प की मात्रा अर्थात स्ट्रीम सप्लाई टू प्राइम मूवर्स। क्वेश्चन नंबर 58, तुल्यकारक मोटर में भी वक्र किनके बीच के संबंध को बतलाते हैं? जिसका सही जवाब है तुल्यकारक मोटर में भी वक्र उत्तेजक धारा और आर्मेचर धारा के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितनी न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए? जिसका सही जवाब है 20 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, Which on the on of following statement of true about insulator transformer? Right answer, the secondary of his current transformer should never be left open. दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसे ऐसे ही टेक्निकल क्वेश्चन के साथ और टेक्निकल प्रीवियस ईयर पेपर को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमारा वीडियो देख सकें। और हम इस समय अपने चैनल पर BSPCL अर्थात बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की पूरी तैयारी करा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए क्योंकि हाल ही में एग्जाम होने वाला है, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। आपको प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करते जाएंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन पेपर में से 60% इलेक्ट्रिकल ट्रेड से ही आते हैं। इसलिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस क्वेश्चन को जानें कि कैसे कैसा किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ना
प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।